रूम करें रूम करें समझे ऐसा कि दस्तक अभियान क्या है कि कब से कब तक चलेगा कब तक ये शुरुआत की जा रही है दस्तक अभियान से 1 जुलाई तक जैसा कि अभी आपको हमारे जिला टीका अधिकारी महोदय ने बताया कि दस्तक अभियान हमारा 1 जुलाई तक और इस अभियान का मुख्य मकसद यही है कि हमें अपने क्षेत्र में बच्चों की शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कमी लाने तो इस मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कुछ पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं उन पॉइंट्स के बिल्कुल बिंदुओं के ऊपर हमारे जो क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आशा कार्यकर्ता हैं ANM हैं तो वो घर घर जाके इसका सर्वे करेंगे और उसमें जो मूल जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से शिशु मृत्यु होती है या बाल मृत्यु होती है 0 से 5 1 से 5 साल तक के बच्चों की उनको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के साथ में उसको उपचार भी तुरंत करना है जिससे हमें बाल मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर में कमी लाए। तो मुख्य बिंदु ये होते हैं कि या तो बच्चा कुपोषित है या तो बच्चा दस्त में है या तो बच्चा जन्मजात विकृति से पीड़ित है या तो बच्चे में एनीमिया है या बच्चे में श्वसन रोग है इस तरह की बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और उनके दवाइयों का उपचार हो जाता है दवाइयों के साथ में उपचार हो जाता है तो हम इसमें प्रभावशाली ढंग से इस शिशु मृत्यु दर में और बाल मृत्यु दर में कमी लाते हैं। जी इसमें हर ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई गई हैं ब्लॉक स्तर को निर्देश दिए गए हैं कि हर गांव में जाके एक एक टीम काम करेगी वहां से जो फाइनल अभी जो मीटिंग समाज जो जानकारी आने वाली है वो जानकारी हम आपको सर्कुलेट करेंगे। मॉनिटरिंग की व्यवस्था कह रहे हैं जी साहब क्योंकि जो ढांचा है कुपोषण का जो मुख्य कारण है वो आपका जो ढांचा है वो ढांचे का ही लखवाना है पूरा का पूरा। मॉनिटरिंग में हमारे जो ANM है और आशा कार्यकर्ता है ये लोग इस बीमारी को पहचानने में समर्थ हैं और ये उसको पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है कोई ऐसी बात है समझ में नहीं आ रही है उनको रेफरल स्लिप दी जा रही है तो वहाँ से उनको रेफर करके जिला चिकित्सालय पर या खंड चिकित्सालय ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था है? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अगर वो अभी अलग से व्यवस्था है क्या नहीं एक वार्ड में अपन बेचेंगे बच्चा आना चाहेगा तो एक वार्ड की स्थिति तो बहुत खराब है डॉक्टर साहब नहीं पता क्या नहीं नहीं 108 की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है क्या करेंगे डॉक्टर क्या करेंगे 108 की स्थिति बहुत अच्छी है बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही हैं उनसे अगर किसी मोटर में किसी गाड़ी में कोई कमी आती है तो उसको पूर्ति की जाएगी उसका हमारी तरफ से लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि 108 में व्यवस्थाएँ ठीक तरीके से बनी रहे। डॉक्टर साहब एक बड़ा आरोप लगा था जब डॉक्टर जादौन थे यहाँ के तो बराबर झूलाबाग जो झूलाघाट डॉक्टर थे उन पर बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी लेकिन एक भी कार्रवाई पूर्ण अंजाम तक नहीं पहुंची। लगभग 350-350 डॉक्टर हैं यहाँ पे झूलाघाट जो यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन किसी पर 2 या 3 के बाद कार्रवाई नहीं हुई है आरोप लगे कि सब कुछ मैनेज हुआ है। आप आए हैं अभी आपने चार्ज लिया है तो क्या इस पे क्या करेंगे सब सामने और इसमें कार्रवाई हम लोग करते हैं कि उसको जिसके पास में नॉन क्वालिफाइड होते हैं जिनके पास में डिग्री नहीं होती है उनको आपने अभी की है ना कहीं कहीं हाँ मैंने बताओ तो लश्कर में तो आप गए नहीं लश्कर में जाना तो आप भी नहीं अभी एक बस्ती में मैंने अभी गया था वहाँ के चिकित्सक जो भी चिकित्सक थे वो मौजूद नहीं थे कुछ मरीज बैठे हुए थे उस क्लिनिक का मैंने निरीक्षण किया तो उसमें उस चिकित्सक की डिग्री वगैरह नहीं दिख रही थी तो वहाँ पे उसका जो कंपाउंडर था या जो मरीज थे उनको समझाइश दी कि अगर डॉक्टर प्रशिक्षित हैं तो उनसे इलाज करवाएं और कंपाउंडर को हिदायत दी कि वो डॉक्टर से संबंधित अपने क्वालिफिकेशन वाले पर्चे वो मेरे पास लाके दिखाएं। सर ये समझाइश की बात ही नहीं है सर ये एक्चुअली में निश्चित तौर पर कहेंगे स्वास्थ्य का मामला है और समझाइश पिछले करीब 20-25 साल से बराबर होती चली आ रही है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा भी था कि डॉक्टर जादौन साहब ने जो किया था लगभग जैसे ही वो उन्होंने चार्ज लिया था पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था लेकिन वो 1 महीने में सब कुछ शांत हो गया है आरोप लगे कि सब कुछ मैनेज हुआ है तो उम्मीद हम क्या करें आपसे सवाल ये है अब उम्मीद ये करें कि हम इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं समझाइश देने के बाद में उनसे मंगवाने के बाद में तो या तो ये है कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए इसके लिए प्रशासन की मदद लेने की आवश्यकता होती है तो हम इस पर विचार करेंगे और काम करेंगे।
आपकी बात को हमने संज्ञान में लिया। नहीं सर, मैं मेरे सवाल के साथ जवाब ये नहीं होगा। नहीं, आपके इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लश्कर शहर में है तो एक भी डॉक्टर के यहाँ छापा नहीं डाला या क्या? मैनेज है पूरा, आप पता कीजिए। मैंने कल कल कार्रवाई करी तो पेपर में भी निकला हुआ चंद्रवनी नाके। चंद्रवनी नाके नहीं, लश्कर में है।